नमस्कार बच्चों, पैथोलॉजी बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं स्पेशल स्टेन्स की सीरीज। पहला स्पेशल स्टेन हम पढ़ेंगे पर्ल स्टेन, जिसको बोला जाता है प्रूजियन ब्लू स्टेन। नाम से ही आप याद रख सकते हैं कि ये ब्लू कलर के डिपॉजिट्स बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि ये आयरन को स्टेन करता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिक फॉर्म और Fe3+ फॉर्म। नेक्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेम्बर इज कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं 2% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो प्रोटीन्स को डीनेचर कर देता है और अवेलेबल कराता है इस फेरिक फॉर्म को इन ऑर्डर टू कम्बाइन विद पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और उससे बनता है ये ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स कॉल्ड एज फेरिक फेरोसाइनाइड। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेम्बर स्टूडेंट्स इज द क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ यूजिंग दिस स्पेशल स्टेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है कि इसको हम यूज करते हैं बोन मैरो एस्पिरेशन स्लाइड्स में, जहां ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को और एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज में। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जैसे कि आपको पता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन और फेरिटिन कम होगा, कंपेयर टू ये जो फेरिटिन का स्टोरेज है वो इंक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज। सेकेंड यूज कैन बी इन ऑर्डर टू डिमॉन्स्ट्रेट हीमोसिड्रोसिस, जहाँ पे ये आयरन ग्रेन्यूल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हीमोसिड्रोसिस लिवर। थर्ड कंडीशन, इससे आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं सिड्रोब्लास्ट। सिड्रोब्लास्ट क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ द फेलियर टू इनकॉर्पोरेट आयरन इन टू द हीम। रिंग सिड्रोब्लास्ट क्या होते हैं? दे आर कॉल्ड एज रिंग सिड्रोब्लास्ट व्हेन दीज कोर्स आयरन सिड्रोटिक ग्रेन्यूल्स आर मोर देन 5 इन नंबर एंड दे एनसर्कल मोर देन 1/3 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसके साथ हमने पढ़ा स्टूडेंट्स पर्ल स्टेन और प्रूजियन ब्लू स्टेन।